हरियाणा की जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से त्रस्त हो चुकी है। जिस तरह का उनका जुमलेबाजी मॉडल ऑफ गवर्नेंस रहा है, जिसमें किसानों के साथ, महिलाओं के साथ, रेसलर्स के साथ, युवाओं के साथ धोखा किया गया है, आज हरियाणा प्रदेश में अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा है। इस देश में 750 से ज्यादा किसानों को शहादत देनी पड़ी, तब जाके 3 काले कानून वापस लिए सरकार ने। ना सरकार ने किसानों को एमएसपी का दाम दिया, ना किसानों की आय दुगनी की गई, और उनके फार्म लोन्स माफ करने की बजाय अपने पूंजीपति मित्रों के 16 लाख करोड़ रुपए के लोन्स माफ किए गए। हमारे देश के लिए जो ओलंपियन रेसलर्स लॉरेल्स लाए, उनके साथ किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने मोलेस्टेशन किया, और पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके संरक्षण में खड़ी रही, और महिला रेसलर्स को सड़कों पर लाठियां भांजी गई पुलिस वालों के द्वारा, ये पूरे देश ने देखा। तो इस सरकार से हरियाणा के लोगों की जो है उम्मीदें बहुत पहले ही टूट चुकी हैं। जिस तरह किसान फसल काटता है, इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जड़ से काटने जा रही है हरियाणा की जनता। इस चीज का मैं आश्वासन दे सकता हूँ।